साहब आपने मुझे बुलाया? क्या नाम बताया तुमने अपना? जी हरिया। हाँ हरिया, वो कुमार साहब को फोन आया था, 9:30 बजे गाड़ी से कुछ जरूरी कागजात भेज रहे हैं, तुम कार लेकर स्टेशन पर चले जाओ। जी मैं चला तो जाता, लेकिन बात यह है कि आज मेरी शादी की वो बर्थडे है और वो जाना बहुत जरूरी है, वरना कुंवर साहब को लाखों का नुकसान हो जाएगा। ये बात है, फिर तो मैं अभी जाता हूँ। हरिया जी, ये रघुवीर कहाँ मर गया, 1 घंटे से नजर नहीं आ रहा। अरे उसको कोई मिल गया होगा सुनने वाला, अपनी अंग्रेजी छाड़ रहा होगा, कोई काम था। अरे भाई उसने कोई खाने का बंदोबस्त किया है या नहीं? उसके भरोसे पे मत रहिए साहब, मैं काम करता हूँ। मैं शांता से कह दूंगा, वो आपको खाना दे जाएगी। अच्छा ये लो। ये क्या कर रहे हैं साहब, आप तो हमारे मेहमान हैं, और हम जैसों के लिए मेहमान भगवान के बराबर होता है। अच्छा अच्छा। हरिया जी, मैं खाना 9 बजे खाता हूँ, डॉक्टर ने मुझे जल्दी सोने के लिए कहा। अच्छा ठीक है, मैं शांता से कह दूंगा, वो ठीकम ठाक 9 बजे आकर खाना दे जाएगी। अब मैं चलूं? हाँ जाओ। साहब खाना नहीं हूं। गरम है जी। यहां नहीं, ऊपर वाले कमरे में। ट्रैफिक जाम का बहुत है। अरे पहाड़ गिर गया है, रास्ता बंद हो गया है, काम चालू है, कल दोपहर से पहले रास्ता नहीं खुलेगा। कल दोपहर तक? हाँ। फिर हमारे मेहमान का क्या होगा? और हम भी क्या कर सकते हैं, जो गिरदाली लाल की मर्जी। चला भैया लौट के बुद्धू घर को चला। Yeah!